गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आज आपको कक्षा 4 हिंदी के अंदर पाठ 3 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के बहुविकल्पी प्रश्न करवाऊंगा। जिसे प्रश्न नंबर 1 में दे रखा है, भारत कैसा राष्ट्र है, तो इसको इसके ये तीनों ही उत्तर बनेंगे, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक, ये सभी हैं, इसका घ उत्तर बनेगा। प्रश्न नंबर 2 में हमारे राष्ट्रीय ध्वज में सबसे नीचे किस रंग की पट्टी होती है, क्या उत्तर बनेगा इसका, हरी। प्रश्न नंबर 3 में सफेद पट्टी पर बना चक्र किसका सूचक है, तो इसका ख उत्तर बनेगा प्रगति का। तो इसी प्रकार इसमें दे रखा है, चक्कर किस रंग से बना होता है, इसका गया उत्तर बनेगा नीला। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। प्रश्न नंबर 6 में 4 सिंहों वाला प्रतीक कहाँ से लिया गया, इसके उत्तर में आएगा अशोक द्वारा बनवाई सारनाथ स्तंभ से। प्रश्न नंबर 7 में 4 सिंहों वाले शीर्ष के नीचे बने चित्र में किस पशु की आकृति है, तो इसका घ उत्तर बनेगा बैल और घोड़ा। प्रश्न नंबर 8 में जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो इसका घ उत्तर बनेगा 24 जनवरी 1950 को। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए बस इतना ही है इस पाठ का, बाकी जो बच गया वो नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाया जाएगा। आपने इसको अच्छी तरह याद करना है और अपने नोटबुक में लिख लेना है। धन्यवाद।